हेलो दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ दिवाली के लिए बहुत ही स्पेशल स्नैक, जो है हमारा इंस्टेंट चकली। इसे मुरक्कू भी कहा जाता है और इस चकली को मैंने बहुत ही झटपट से बना के तैयार किया है। घर पे ही रखे हुए चीज़ों से आप बिल्कुल बाजार जैसा ये परफेक्ट चकली बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी, बहुत ही खास्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो बिल्कुल सही नाप के साथ मैंने इस चकली को बनाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आने पे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, राइस फ्लावर चकली बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक कप ले रही हूँ चावल का आटा, तो ये आधा कप मैंने लिया है और ये इसके साथ आधा कप, और टोटल मैंने एक कप चावल का आटा लिया है और इसके साथ हम इसमें डालेंगे हाफ कप गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे के जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और इसका जो टेस्ट है और बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 बड़ा चम्मच डाली हूँ बेसन, और बेसन जो नॉर्मल घर पे रहता वही बेसन हमें डालना है यहाँ पे। इसके साथ हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब जीरा, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें और भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच के करीब सफ़ेद तिल, क्योंकि जो भी मार्केट से हम चकली लेके आते हैं उसमें भी तिल डाला हुआ होता है। अब हम सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम चकली को बहुत ही क्रिस्पी और खास्ता बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे मोइन। मोइन के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और यहाँ पर हमें गर्म तेल ही यहाँ पर यूज़ करना है। तो तेल मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम इसे पहले चम्मच से ही मिक्स कर लेते हैं क्योंकि तेल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ से हम अभी मिक्स नहीं कर सकेंगे। चम्मच से मिक्स करने के बाद हम इसे हाथ से बहुत ही अच्छे से रब करते हुए मिक्स करेंगे ताकि मोइन जो है आटे में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। मोइन की क्वांटिटी आपको बहुत ही ध्यान में रख के डालना है। अगर आप इसमें ज़्यादा मोइन डाल देंगे तो चकली जब आप फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल घुल जाएगा तेल में, तो बहुत ही ध्यान से ही आप इसमें मोइन डालें। और इस तरह से मिक्स करने के बाद जब हम इस तरह का मुट्ठी बना रहे हैं तो देखिए मुट्ठी अच्छे से बन जा रहा है और बहुत ही आसानी से टूट भी जा रहा है। तो मोइन इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं डालना है। अब हम इसका डो लगाएंगे। तो चकली का डो हम यहाँ पे गर्म पानी से लगाएंगे। गर्म पानी हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा यूज़ किया है, तो गर्म पानी से जो डो है चावल का आटा का बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो पहले चम्मच से ही मिक्स करेंगे और थोड़े थोड़े से ही पानी इसमें डाल के हम यहाँ पर डो बनाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो डो है बहुत गीला सा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी बहुत गर्म है तो आप ध्यान से इसका डो लगाएंगे और डो जो है हमें थोड़ा सा सॉफ्ट सा ही लगाना है, हार्ड डो हमें यहाँ पे नहीं बनाना है। अगर आप हार्ड डो लगा देंगे तो जब हम चकली को शेप देंगे तो बीच बीच से टूट जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है चकली के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चकली का डो तैयार कर लिया है और डो हमें यहाँ पे देखिए इस तरह का तैयार करना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। अब मैं यहाँ पे चकली का मशीन ले रही हूँ जो बहुत ही ईजिली आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, और इस प्लेट का हम यूज़ करेंगे क्योंकि चकली का शेप इसी तरह का होता है स्टार जैसा। और अब हम इस मशीन का जो सिलेंडर होता है इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि जब हम इसमें आटा डालें तो वो चिपके नहीं, और इसके प्लेट में भी हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। तो अब हम इसे इस तरह से इसमें फिट कर देंगे। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मशीन बहुत ईजिली मिल जाता है। और ये हमने इसे अच्छे से टाइटली बंद कर दिया है। अब हमने जो चकली का डो बनाया है उसमें से हम एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम देखिए इस तरह से लंबा शेप दे देंगे और उसके बाद हम इसे इसमें डाल लेते हैं। इस मशीन से आप बहुत तरह के का स्नैक्स जो है घर पर आसानी से बना सकते हैं, तो ये मशीन तो घर पर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डो को मैंने अच्छे से भर लिया इसमें और अब हम इसका जो ऊपर का कवर है इसे लगा लेते हैं टाइटली, हम इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप चाहे तो इस मशीन को ले सकते हैं ऑनलाइन। और अब हम चकली बनाएंगे। तो चकली बनाने के लिए इस तरह का कोई पेपर ले लेंगे, बटर पेपर या फिर कोई आप सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं, और बस हमें इसे ऊपर से इस तरह से प्रेस करते जाना है और हमें हाथ को इस तरह से हल्का हल्का रोटेट करना है। और देखिए चकली कितनी आराम से बन रही है। यहाँ पे आपको चकली का शेप जितना बड़ा बड़ा छोटा जितना रखना है उतना में आप इसे तोड़ लें, और जो ये लास्ट का पोर्शन हल्का सा इसे हम इस तरह से प्रेस करके चिपका देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये तेल में घुले नहीं। और देखिए कितना परफेक्ट ये चकली बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 चकली बना के तैयार किए हैं। अगर आपके पास पेपर बटर पेपर नहीं हो तो आप इस तरह से प्लेट में भी चकली को बहुत ही आराम से बना सकते हैं। देखिए कितना आराम से ये चकली बन रहा है। तो चकली बहुत ही ईजिली आप घर पे बना सकते हैं, बस ये अगर आपके पास मशीन होगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मार्केट जैसा चकली बनके तैयार होगा घर पे।
देखिए इस तरह से हल्का हल्का चिपका देंगे। तो अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे। तो यहाँ पे तेल का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए चकली को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डो डाला है और देखिए थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ये ऊपर आ रहा है, यानी तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा है तेल को। और अब हम चकली को इस तरह से किसी भी स्पैचुला की मदद से इस तरह से उठा के तेल में डाल देंगे। आप इसे हाथ से भी डाल सकते हैं, देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से ये उठ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार में 4 से 5 चकली डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाथ से भी इस तरह से बहुत ही आराम से आप चकली को डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार में 4 चकली डाल रही हूँ और इसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा फॉर्म हो जाए, जब ये ऊपर आ जाए फ्राई होके, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो मैं इसे इसी तरह से सिकने दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया क्योंकि तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स चकली फ्राई होके थोड़ा सा ऊपर आ गया है और ये बिल्कुल फॉर्म हो गया है। अब हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से पलट लेंगे, आप चाहे तो इसे चम्मच से पलट सकते हैं। तो फ्रेंड्स चकली को हम इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स चकली बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इस पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे मैं टिशू पेपर पे निकाल रही हूँ और बाकी का जो चकली है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट ये चकली या फिर मुरक्को बनके तैयार हुआ है। चकली को आप बहुत ही आराम से घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का चकली आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा इंस्टेंट चकली या फिर मुरक्को, जिसे मैंने बहुत ही झटपट से बना के तैयार किया है। और देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, बहुत ही परफेक्ट ये चकली बना है, जिस तरह से हम मार्केट से चकली लेके आते हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चकली की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।